जिस तरीके से द फेस ऑफ WWE नाम से मशहूर थे जॉन सीना, ठीक उसी तरीके से द फेस ऑफ WCW नाम से मशहूर थे स्टिंग। भले ही आज स्टिंग WWE के रिंग में नजर नहीं आते हैं, पर फिर भी एरिना में फैंस आज भी स्टिंग का मुखौटा लेकर आते हैं, जो यह दर्शाता है कि फैंस आज भी स्टिंग को नहीं भूले हैं। स्टिंग वर्तमान में भी WWE के साथ लेजेंडरी रेसलर के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कंपनी वाले स्टिंग को बेहद ही खास इवेंट में ही बुलाते हैं। कुछ समय पहले स्टिंग ने WWE वालों से रिक्वेस्ट किया था कि वह अंडरटेकर के साथ एक अंतिम मैच लड़ना चाहते हैं, पर अभी के हालात देखकर यह नहीं लगता है कि कंपनी वाले उन्हें डेडमैन के साथ मैच देने वाले हों। खैर, यह मैच होगा या नहीं यह तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। कभी कभार आपके मन में भी यह सवाल आता होगा कि आखिर स्टिंग को द आइकन क्यों कहा जाता है। चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं स्टिंग के बारे में। स्टिंग को आइकन इसलिए कहा गया क्योंकि वह प्रो रेसलिंग की दुनिया में बहुत बड़े दिग्गज रेसलर माने जाते थे। वे बेहद ही यूनिक और खास रेसलर थे क्योंकि वह रेसलरों की भीड़ में अलग ही नजर आते थे। साथ ही कंपनी के मालिक विंस मैकमैन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जिस वजह से उन्होंने द आइकन नाम उन्हें दे दिया। इसके साथ ही एक दूसरा कारण यह भी है कि स्टिंग बेहद ही धार्मिक किस्म के इंसान हैं। वे अपने चर्च के पहले मिशनरी थे। पूरब के देशों के गिरजाघरों में भी आइकन शब्द का मतलब धार्मिक चित्रकला से है। इस वजह से कंपनी के मालिक विंस मैकमैन ने उन्हें यह नाम दिया था। अगर आप द आइकन शब्द का अर्थ डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो इसके बहुत सारे अर्थ आते हैं। प्रतिमा या एक छवि या एक प्रतिनिधित्व, एक छोटे लकड़ी के पैनल पर तेल में पारंपरिक धार्मिक चित्रकला को भी आइकन कहा जाता है। पूर्वी चर्च में पूजनीय जिसे माना जाता है उसके लिए भी आइकन शब्द का यूज किया जाता है। वे स्टिंग का टैलेंट ही था कि WWE में बहुत ही कम समय रहने के बावजूद उन्हें WWE हॉल ऑफ फेम के सम्मान से सम्मानित कर दिया गया था। स्टिंग के रिटर्न का तो आज भी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों की स्टिंग के बारे में क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके हमें बताना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक और बेहद ही खास एपिसोड में इसी मिस्टीरियस बुक के चैनल पे। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।